आज 16 जून को पितृ दिवस यानी फादर्स डे के आयोजन हमने यहाँ पर करा है। आज पूरी दुनिया अपने इस फादर्स डे को मनाती है। हम आज के नवयुवक बच्चों को यह संस्कार देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वे अपने माता पिता की भगवान से ज़्यादा सम्मान करें, उनका पूजन करें, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। एक पिता के बारे में तो बताने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पिता जब अपने बच्चे को पालता है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपने बच्चे को पालने के लिए। वो किसी भी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगा, पर अपने बच्चे के लिए वो अच्छा बच्चा करने की कोशिश करेगा। वो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। बच्चा जब जवान हो जाता है, अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और अपने पिताजी का सम्मान नहीं करता, तो उसके दिल से पूछिए उस समय उस पर क्या गुजरती है। कई लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, कई लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैं आज उन युवा और उन साथियों से सभी से बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अपने पिताजी का सम्मान सबसे पहले करें, अपनी माताजी का सम्मान सबसे पहले करें। अगर जिन्होंने सम्मान किया है, जिन्होंने संस्कार सेना केवल इसी उद्देश्य को लेकर काम करती है, संस्कार सेना जो काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, पितृदिवस, मातृ दिवस और 6 जुलाई को स्थापना दिवस जो आने वाले 6 जुलाई को अयोध्या में रखा गया है, उससे इस भव्य प्रोग्राम के लिए हम हिंदुस्तान के उन सभी प्रदेशों से कहना चाहते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि वे सभी संस्कार सेना के प्रोग्राम में आएं और साथ में भगवान राम के दर्शन भी करें। इससे अच्छी पावन जगह कहीं नहीं हो सकती है। अभी पिछले दिनों संस्कार सेना का एक आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया, उसी के अगले दिन नागपुर में किया गया, एक महाअधिवेशन अभी मुंबई में किया गया। संस्कार सेना लगातार काम कर रही है। संस्कार सेना लोगों को केवल दे रही है, देना ले कुछ नहीं रही है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करोगे, इज्जत करोगे, उनको भगवान मानोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, संस्कार सेना को क्या मिलेगा? और हमें पर हमें बताओ, आपके माँ बाप खुश रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम तो आपके परिवार को खुश रखने के लिए ये संस्कार सेना काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पितृदिवस की सभी को बधाई देता हूँ और सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि भगवान के समान अपने पिताजी का सम्मान करें। जय जननी, जय माता पिता।